हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरबीटी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, एसकेएमयू का यूजी सेमेस्टर वन सेशन 21-22 का जो एडमिट कार्ड है वो 25 जुलाई तक जो है अपलोड होगा। तो दोस्तों, शाम तक में जो है 25 जुलाई शाम तक में जो है अपडेट कर दिया गया है यूजी सेमेस्टर वन एडमिट का। अब आप ऑनलाइन जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और आपका ऑफलाइन जो है वो एडमिट कार्ड जो है एग्जाम तक जो है आ जाएगा ऑफलाइन आपके कॉलेज में। लेकिन फिलहाल आपको जो है यही एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, इसी से जो है एग्जाम हॉल में आपको एग्जाम देना है। अगर आपका जो है ऑफलाइन जो आपका ओरिजिनल आ जाता है तो आपको उसको ले लेना है, नहीं तो फिर आप इसको इसी से जो है आपको एग्जाम देना है। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है अपना जो है एडमिट कार्ड, उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको जो यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस वेबसाइट में आ सकते हैं। यहीं से सारा एग्जाम फॉर्म एडमिट कार्ड रिजल्ट वगैरह सारा चीज़ जो है इसी वेबसाइट से यहाँ पे दिखाया देता है। तो यहाँ पे जैसे ही वेबसाइट में आएंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड के सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे यूजी सेमेस्टर वन एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मोबाइल से चेक कर रहे हैं तो आपको क्रोम ब्राउजर यूज करना है और क्रोम में जो है डेस्कटॉप मोड वो ऑन करके आपको जो है एडमिट कार्ड चेक करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी यूजी सेमेस्टर वन एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, तीन ऑप्शन। पहला जो स्टूडेंट नाम, दूसरा फादर नाम और तीसरा जो है कॉलेज नाम। तो सबसे पहले आप अपना पूरा नाम डालेंगे जो आपने अप्लाई किया था, जो एडमिशन के लिए जो नाम डाला था वही नाम सेम डालना है और फादर नाम भी वही डालना है। स्पेलिंग भी आपको सेम डालना है, कैपिटल लेटर में, स्मॉल में नहीं डालना है, कैपिटल में डालना है दोनों में। उसके बाद अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, कॉलेज जो अपना सही सेलेक्ट करना है। और स्पेलिंग में आप लोग ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं तो उनका जो एडमिट कार्ड यहाँ पे शो नहीं करता है। तो स्पेलिंग आप मिस्टेक नहीं करेंगे, जैसा स्पेस है तो स्पेस देंगे, स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं देंगे। वैसा यहाँ पे टाइप करेंगे अपना नाम, फादर नाम और अपना कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सारा कॉलेज यहाँ पे दिया हुआ, जो भी आपका कॉलेज है वो कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का यहाँ पे सर्च किया तो देख सकते हैं यहाँ पे उसका जो एडमिट कार्ड यहाँ पे शो कर दिया गया है, बी ए ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2021-24 अंडर CBCS एडमिट कार्ड। तो देख सकते हैं, इसी तरह आप अपना जो सर्च मारेंगे तो यहाँ पे जो है आपका जो एडमिट कार्ड यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपका पिक्चर दिखेगा, साइन दिखेगा, इधर आपका कॉलेज नाम दिखेगा, आपका नाम, फादर नाम और डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट डिटेल दे सकते हैं, कोर वन कोर टू यहाँ पे आपका लिखा रहेगा, जो ऑनर्स पेपर रहेगा वो कोर वन कोर टू। इसके बारे में तो पहले ही मैंने डिटेल बता दिया है कि ऑनर्स पेपर जो है दो पेपर में होता है, कोर वन और कोर टू। उसके बाद जनरल इलेक्टिव जी आप जो रखें वो होगा यहाँ पे ACC, ये जो है हिंदी होगा। तो इसको यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज जो है डेट यहाँ पे नहीं दिया जाता है तो वो आपको जो है प्रोग्राम में ही मिलेगा। प्रोग्राम जो है मैं पहले ही एक वीडियो बना के प्रोग्राम आप लोग को समझा चुका हूँ, किसका किसका कौन सा डेट में है, कौन सा ऑनर्स, और उसमें कुछ चेंजिंग भी हुआ था, चेंजिंग वीडियो भी मैंने आपको दे दिया था। तो उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। नीचे आपका सेंटर कोड और सेंटर नाम लिखा रहेगा कि आपका सेंटर कहाँ दिया गया है। जैसे इसका देख सकते हैं, गुड्डा महिला कॉलेज गुड्डा यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसी तरह आपका भी सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ। दोस्तों, सेमेस्टर वन का ज्यादातर जो है होम सेंटर ही दिया जाता है, तो आप लोग अपना जो है सेंटर देख लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर जनरल हो चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट जो ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा जो है रोल नंबर तो इंस्टीट्यूट में मिला ही नहीं है तो हम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बताया था कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड आता है उसी में आपका जो रोल नंबर जनरेट होकर आता है। तो इंस्टीट्यूट रोल नंबर जो ये जनरेट हो चुका है, कॉलेज रोल नंबर दूसरा होता है, ये इंस्टीट्यूट रोल नंबर है। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना है और कहीं भी प्रिंटर शॉप से जाके प्रिंट करा लेना है। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है और यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर करा लेना है। इसी एडमिट कार्ड से जो है आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर ओरिजिनल एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड भी रिसीव कर सकते हैं अपने कॉलेज से। दोस्तों, एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ नीचे क्लिक हियर टू प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। यहीं से क्लिक करने के बाद जो है आपका जो प्रिंट का ऑप्शन दे दिया जाएगा और यहीं से जो आपका PDF में सेव करने का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा। यहीं से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF में भी सेव करके रख सकते हैं। तो आपके पास अगर प्रिंट का सुविधा हो तो आप प्रिंट करा लेंगे, नहीं तो PDF में सेव करके आप कहीं भी नजदीकी प्रिंटर शॉप से जाके प्रिंट करा सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल में जो है मोबाइल से अगर आप चेक करें तो प्रॉब्लम करता है। आपको क्रोम ब्राउजर यूज करना, फिर से बता देता हूँ, क्रोम ब्राउजर यूज करना और उसमें जो है डेस्कटॉप मोड ऑन करके जो है आपको एडमिट कार्ड चेक करना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है एडमिट कार्ड चेक करने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में जो है अपना डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। हम वहाँ पे आप लोग को जो है पहले भी आप लोग को सेंड करके देते थे और इस बार भी आपको सेंड करके वहाँ पे आपको दे देंगे एडमिट कार्ड। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से जो अपडेट आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारा टेलीग्राम का भी चैनल मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है नोटिस वगैरह जो है सबसे पहले हम लोग वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।